और मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? तो क्या आप तैयार हैं प्यारे वीडियो के लिए? आज के इस वीडियो में हम बात लाएंगे हॉलीडे कैलेंडर 2021। नए साल में है छुट्टियां ही छुट्टियां, तो आज बात करेंगे हॉलीडे कैलेंडर की। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए बात करते हैं हॉलीडे कैलेंडर 2021 के बारे में। नया साल नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। लंबे समय से लोग छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर लोगों को इस साल घूमने फिरने का प्लान कैंसिल करना पड़ा। कोरोना के मामले कम होने और जल्द वैक्सीन आने की खबरों के बाद लोग फिर से मौज मस्ती करने को तैयार हैं। नए साल में लोगों को खूब छुट्टियाँ मिलने वाली है। साल 2021 का कैलेंडर देखकर आप अभी से अपनी छुट्टियाँ प्लान कर सकते हैं। साल 2020 खत्म होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर नए साल की शुरुआत हो जाएगी। कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादातर लोगों ने ये नया साल अपने घर में बिताया था और 2021 को लेकर लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। लोग बेसब्री से नए साल में पड़ने वाली छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं ताकि घूमने फिरने का प्लान बना सके। इस साल बस दो ही छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं, ऐसे में ज़्यादा छुट्टियां बर्बाद नहीं होंगी। तो आइए डालते हैं एक नज़र 2021 के हॉलीडे कैलेंडर पर। जनवरी, फरवरी, मार्च की छुट्टियाँ। जनवरी के महीने में बस एक छुट्टी पड़ रही है और वो है गणतंत्र दिवस की छुट्टी। 2021 में 26 जनवरी मंगलवार के दिन पड़ रही है, तो आप सोमवार की छुट्टी लेकर 4 दिन की छुट्टी की प्लानिंग कर सकते हैं। वहीं फरवरी में इस साल कोई छुट्टी नहीं है। मार्च के महीने में दो छुट्टियां पड़ रही हैं। 11 मार्च को गुरुवार के दिन महाशिवरात्रि पड़ रही है, जबकि 28 मार्च को रविवार के दिन होली पड़ रही है। अप्रैल, मई और जून 2021, इसमें अप्रैल में छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 21 अप्रैल को रामनवमी, ये दोनों ही छुट्टियां बुधवार को पड़ रही हैं। मई के महीने में 12 मई को बुधवार के दिन ईद उल फितर की छुट्टी है, वहीं 26 मई को बुधवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी है। जून के महीने में कोई छुट्टी नहीं है। जुलाई, जुलाई के महीने में सिर्फ एक छुट्टी है। इस महीने की 21 जुलाई को बुधवार के दिन ईद उल जुहा अर्थात बकरीद का त्यौहार है। अगस्त, सितंबर 2021, लोगों को इस बार 15 अगस्त की छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि इस दिन रविवार है। 19 अगस्त को गुरुवार के दिन मुहर्रम है, ऐसे में शुक्रवार की छुट्टी लेकर आप कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। इस साल जन्माष्टमी का त्यौहार 30 अगस्त को सोमवार के दिन पड़ रहा है। सितंबर में कोई भी छुट्टियां नहीं है। अक्टूबर महीने की छुट्टियां, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती शनिवार के दिन है, 7 अक्टूबर को गुरुवार के दिन अग्रसेन जयंती है, 15 अक्टूबर शुक्रवार के दिन दशहरा का त्यौहार है। इस हफ्ते आप 3 दिन की छुट्टियों की योजना बना सकते हैं। 19 अक्टूबर को मंगलवार के दिन ईद मिलाद है और 20 अक्टूबर को बुधवार के दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती है। नवंबर और दिसंबर 2021, इस बार दीपावली का त्यौहार 4 नवंबर को गुरुवार के दिन पड़ रहा है। इस हफ्ते भी आप शुक्रवार की छुट्टी लेकर कहीं 4 दिनों का प्लान बना सकते हैं। 2021 में 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार शनिवार के दिन पड़ जाने से लोगों की एक छुट्टी कम हो जाएगी। तो ये थी आज तक की जानकारी। उम्मीद है आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।